देख रहे हैं पुलिस की आवाज न्यूज, क्राइम का खुलासा। हैंड ऑफ फेथ फाउंडेशन ने किया संगोष्ठी का आयोजन। हैंड ऑफ फेथ फाउंडेशन ने किया संगोष्ठी का आयोजन, जिसमें दूर दराज से आए संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। हैंड ऑफ फेथ फाउंडेशन लगातार 2 सालों से गरीब असहाय लोगों की हर तरह से मदद कर रहा है। मीडिया से बात करते हुए संगठन के प्रेसिडेंट आदित्य रावत ने बताया कि संगठन विगत 2 वर्ष से लगातार गरीब असहाय लोगों की सेवा कर रहा है। संगठन का उद्देश्य है कि गरीब लोगों को भोजन, गरीब बच्चों की पढ़ाई, गरीब लोगों को कपड़े, और सबसे बड़ी संगठन की प्राथमिकता है कि जो लोग रोड पर एक्सीडेंट में समय से एम्बुलेंस न मिलने के कारण अपना जीवन खो देते हैं, उनके लिए संगठन के द्वारा निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। वही मीडिया से बात करते हुए शुभम रावत और विष्णु गोला, संस्थापक, ने बताया कि संगठन लगातार लोगों के बीच रहकर लोगों की सेवा कर रहा है और हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहा है, और हमारे प्रयास है कि आगे भी लोगों की हर तरह से लोगों की सेवा हम करते रहेंगे। जी, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम विष्णु गोला। अच्छा, कौन सी संस्था है ये, क्या है आप? जी, मैं एक हैंड्स ऑफ फेथ फाउंडेशन, हमारी एक संस्था है जिसका मैं संस्थापक हूँ। अच्छा, तो आज का जो प्रोग्राम रखा गया वो क्यों और किस लिए रखा गया? जी, जैसे कि हमारे जितने भी सामाजिक कल्याणकारी कार्य होते हैं इस संस्था में सारे सामाजिक कार्य किए जाएंगे, जैसे कि गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराना, और जैसे अनाथ बच्चे होते हैं तो उनके लिए जगह जगह जाकर उन्हें फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना, और जैसे क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन करना और फूड ड्राइव्स करना। हमने एम्बुलेंस की सेवा भी जारी करने की कोशिश करेंगे इसमें। अच्छा, तो आपकी जो ये संस्था है कितने समय से काम कर रही है और अब तक क्या क्या काम किए हैं आप? जी, ये संस्था 2019 से कार्य कर रही है। अब तक जगह जगह जाकर हमने वृक्षारोपण किया है, और लोग वृक्षारोपण में जगह जगह जाकर उनकी सुरक्षा भी की है, और 2019 से कार्य कर रही है, लेकिन पंजीकृत जी अभी कराई है जुलाई में। जब पंजीकृत जो आपने अभी कराई? जी जी। तो आगे की जो प्रक्रिया होगी वो किस तरीके से रहेगी, किस तरीके से लोगों के बीच जाके आपकी संस्था कार्य करेगी? जी, यहाँ हमने तरह तरह के क्षेत्रों में जाकर हमने लोगों को जिम्मेदारी दी है, वहाँ पर जाकर लोगों जिम्मेदारी को संपूर्ण तरीके से संभालेंगे और वहाँ पर लोगों को जिम्मेदारी देंगे जो गरीब लोगों का ख्याल रख सकें और जगह जगह पर जाकर प्लांटेशन कर सकें। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम आदित्य रावत है, मैं संस्था का प्रेसिडेंट हूँ। जो कि हम लोग काम कर रहे हैं वो सारे काम हम लोग गरीबों की मदद करने के लिए कर रहे हैं। जितने भी हमारी गरीब भुखमरी से मरते हैं रात दिन, हम लोग बस इतना ट्राई कर रहे हैं कि हम उन गरीबों को ना मरने दें। हम कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं जिन्हें खाने की प्राप्ति हो, और खाने का जो वेस्टेज करते हैं लोग घर में, मेरी उनसे सदा रिक्वेस्ट है कि उस खाने को वेस्ट की जगह हम लोग उनको ऐसे बिन्स प्रोवाइड करवाएंगे जिससे हमारी खाने का बचाव होगा, उस खाने को हम आगे जाके उसे बांटने की कोशिश भी करेंगे। हम लोग इस लाइन को हम हर महीने चलाने की कोशिश करेंगे आगे जाके। अच्छा, आपकी जो संस्था है वो किन किन चीज़ों पर कार्य कर रही है? हमारी संस्था काफ़ी सारी चीज़ों पे कार्य कर रही है। पहली चीज़ है हमारी क्लोथिंग ड्राइव, हम लोग कपड़े भी बांट रहे हैं लोगों से, कपड़े इकट्ठे करके जो बेकार कपड़े हो चुके हैं उनसे कपड़े इकट्ठे करके हम लोग उन्हें बांट रहे हैं, पैक करके, प्रेस करके। उसके बाद हम लोग है ना फूडिंग ड्राइव चला रहे हैं, खाना बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हम खाना बांट रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खाना जितना हमसे हो रहा है उतना बंटवा रहे हैं। हम आगे जाके गाड़ी भी चलवाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने वृद्धाश्रम खोलने का भी प्लान किया है, बच्चों के लिए स्कूल, बच्चों के लिए पढ़ाई, बच्चों के लिए शिक्षा दे रहे हैं अच्छी। हमारे कुछ डायरेक्टर भी शिक्षा देने के लिए खुद भी जाते हैं, खुद ने भी एक छोटा सा इंस्टीट्यूट बना रखा है। उस चीज़ के बाद हम लोग स्कूल्स में कॉपी किताब और ड्रेस भी बंटवा रहे हैं। अच्छा, तो आपकी जो ये संस्था है कितने समय से काम कर रही है और अब तक क्या क्या कार्य किए हैं? हमारी संस्था 2019 से काम कर रही है, लेकिन हम लोग गवर्नमेंट से रजिस्टर इसलिए नहीं हो पाए थे क्योंकि अभी संस्था छोटी थी। हम लोगों ने कार्य अभी तक कपड़े बांटे हैं काफ़ी सारे लोगों को, हम लोगों ने 2000 जोड़ी से ज़्यादा कपड़े बांटे हैं जो कि पुराने लोगों से लिए गए थे, उसे प्रेस और हम लोगों ने पैक करवा के कपड़े बांटे हैं। हम लोग अधिक से अधिक खाना बांटते हैं। अब तक हम लोगों ने 2019 से अब तक लेके काफ़ी सारे पेड़ लगाए हैं। मेन हमारा पेड़ लगाने का प्लांटेशन का प्रोसेस हो रहा था। इसके बाद हम लोगों ने खाना बांटने के लिए काफ़ी सारे चीज़ें ओकेशंस रखे हैं, हमने कपड़ा वितरण का भी ओकेशंस रखे हैं, वो सारी हम लोग दिखा रहे हैं अभी अपडेट। क्या नाम आपका? जी सर, मेरा नाम शुभम रावत है। जी, तो आज जो प्रोग्राम किया गया है वो क्यों और किस लिए किया गया? आज का जो हमने प्रोग्राम रखा है, मुख्यतः हमारा उद्देश्य है कि हमारे मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में कोई भी व्यक्ति भूख से ना मरे, कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, कोई भी बच्चा ऐसा कुपोषण का शिकार नहीं हो जिससे कि उसकी धीरे धीरे आने वाले समय में मृत्यु हो जाए। वर्तमान समय की हालत क्या है कि सभी लोग अपनी अपनी कार्यशैली जिंदगी में व्यस्त हैं और किसी का ध्यान सामाजिकता पर नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम अपने छोटे छोटे शिक्षण संस्थान खोलकर बच्चों को पढ़ाएं। हमारी संस्थान हैंड्स ऑफ फेथ फाउंडेशन बच्चों के लिए पहाड़े, बैग, कॉपी, किताब छपवाकर खुद हमारी संस्था और संस्था के कार्यकर्ता जगह जगह छोटे छोटे गुरुकुलम चलाकर
बच्चों को शिक्षण का प्रसारण करेंगे और हम आगे आने वाले समय में रोड जो दुर्घटनाएं होती हैं उन पर भी ध्यान देंगे। हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि कोई भी व्यक्ति रोड पर दुर्घटना होने के बाद तड़पे नहीं। हम आगे आने वाले समय में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा देंगे, जो कि हमारा उद्देश्य है कि हम आगरा, अलीगढ़ और मथुरा में अपनी बेहतर सेवा दे सकें। हमारा लक्ष्य है कि हम अपने जो हमारा वातावरण है इसमें हम एक वर्ष में लगभग 5,000 से 6,000 पौधे लगाएं, जिससे कि वन्य के जीवों को जीवन मिले, हमें स्वच्छ सांस मिले और हम जीवन को अच्छा प्रफुल्लित होकर जिए।